हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं फिस्टुला ट्रीटमेंट की। फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर सीआर फ्लूरी ने दो मेडिसिन बताई है, जिससे कि फिस्टुला के ट्रीटमेंट में आसानी होगी और उससे मुक्ति मिल सकती है। बेहतरीन मेडिसिन है, कैसे यूज किया जाए उसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फिस्टुला बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, जो फिस्टुला है वो एबनॉर्मल ओपनिंग है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से लास्ट वाला पोर्शन जो पाचन तंत्र है या पाचन जो नली है उसके लास्ट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो ये रेक्टम है और यहाँ पे एनस है, एनस है और ये पूरा पोर्शन मान लीजिए रेक्टम है। तो स्टूल जनरली ऐसे ही पास होता है। तो यहाँ पे ढेर सारी म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। तो म्यूकस ग्लैंड करती क्या है कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं ताकि स्टूल आसानी से पास हो जाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में यहाँ की जो म्यूकस ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने की वजह से एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है इस तरफ से, इधर से ऐसे, ठीक है। तब स्टूल तो इधर से पास होता ही होता है, इधर से भी कुछ पास होता रहता है, मेटेरियल इधर से भी निकलता रहता है। तो यही जो एबनॉर्मल ओपनिंग है या यूं समझ लीजिए कि जो बाईपास है, इसी को आप फिस्टुला बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि आसानी से ठीक नहीं होता है, तो इसके लिए होम्योपैथी में बेहतरीन दवाएं हैं जो कि इसको ठीक कर सकती हैं, कर देंगी। तो देखिए, जो एबनॉर्मल ओपनिंग है इसी को क्या बोलते हैं, फिस्टुला। और इसी के उलट फिसर की अगर बात करें तो अगेन मान लीजिए इस तरह से ये फिर रेक्टम है। यहां पे अगर खरोंच जैसा आ जाए, खरोंच जैसा आ जाए तो इसी क्या बोलते हैं, फिसर। यानी फिसर और फिस्टुला अलग अलग चीज होती हैं। फिस्टुला एबनॉर्मल ओपनिंग है और फिसर्स जो है हिंदी में समझ लीजिए कि खरोंच जैसा लग जाए। खरोंच कब लगेगी, जब काफी दिनों तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आप घिरे रहेंगे। तो जिनको भी लगातार कई महीनों तक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और उसका कोई सलूशन नहीं ले रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं, तो उनमें समस्या बन सकती है कि फिसर बन जाए। अब इसी के जस्ट एक सिमिलर और होता है, उसको हेमरॉयड्स बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। तो यहां पे देखिए इस तरह से अगेन रेक्टम है यहां पे। तो यहां का जो वेन्स है, वेन्स अगर इसमें सूजन आ जाए, सूजन आ जाए तब इसी को क्या बोलते हैं, हेमरॉयड्स, हेमरॉयड्स, या इसी को क्या बोलते हैं, पाइल्स। तो चाहे हेमरॉयड्स बोल लीजिए चाहे पाइल्स बोल लीजिए, तो ये क्या है कि यहां की जो वेन्स हैं उनका सूजन है, जो वेन में स्वेलिंग आ गई है। और अगर रेक्टम की जो दीवार है उसमें खरोच जैसा लग जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, फिसर। और एबनॉर्मल ट्रैक्ट बन गया है, एबनॉर्मल ओपनिंग बन गई है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फिस्टुला। तो सीआर फ्लूरी साहब ने बेहतरीन दो मेडिसिन बताई है, आपको इसको अल्टरनेट यूज करना है। यानी एक हफ्ते तक पहली मेडिसिन, फिर अगले हफ्ते दूसरी मेडिसिन। तो इस तरह से दो मेडिसिन उन्होंने बताया है, इस तरह से पहला है कैल्केरिया फास और दूसरी मेडिसिन है साइलिसिया। तो कैल्केरिया फास और साइलिसिया दोनों का यूज करना है। कैसे यूज करना है, पहले हफ्ते इसका 3x, फिर दूसरे हफ्ते में इसका 3x, यानी और फिर उसके बाद इसका 6x और इसका भी 6x, फिर अगेन इसका 12x और इसका भी 12x, इस तरह से। इस तरह से 6 सप्ताह हो गया। उसके बाद आप यूज करेंगे 30x, इस तरह से। तो यहां पे यानी ये फर्स्ट वीक है, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक है। पहले इसको यूज करना है, एक हफ्ते तक इसको यूज करें, पहले हफ्ते इसको, फिर दूसरे हफ्ते इसको, फिर तीसरे हफ्ते इसको,
फिर चौथे हफ्ते इसको, फिर पांचवें में इसको, और छठवें में इसको, और सातवें में इसको, और आठवें में इसको। इस तरह से 2 महीने में आपका जो फिस्टुला है, जो एबनॉर्मल ओपनिंग है, उससे आपको निजात मिल सकती है। तो इस तरह से आप यहां तक देखें, तो आपके नियर बाय में जिसको भी समस्या हो, आप उनको इन दोनों दवाओं को जरूर बताएं, और पूरा 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने तक खाएं, फिस्टुला से मुक्ति पाएं। तो इस तरह से आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं, तो इस बात को दूसरों को जरूर बताएं, क्योंकि मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया, अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है कि आप इस जानकारी को दूसरों को भी बताएं। बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।